मुजफ्फरनगर की भोपा थाना क्षेत्र में स्थित ग्राम ज्वाली में देर रात अज्ञात चोरों ने एक मकान में घुसकर भैंस चोरी कर ली। पीड़ित ने जैसे ही सुबह उठकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद परिवार में हलचल मच गई। भैंस की चोरी की खबर सुनते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। आपको बता दें कि लियाकत नाम के एक ग्रामीण के घर को रात चोरों ने निशाना बनाया, उसके बाद घर में घुसकर भैंस पर हाथ साफ कर दिए। लियाकत ने बताया कि उसे करीब 70,000 रुपए का नुकसान हुआ है। हमारी भैंस बंद रही थी, यहाँ से रात को पिकअप महिंद्रा गाड़ी बताई जा रही है। दो हरिजन के लड़के चंडीगढ़ से आए, उन्होंने बाइक से जैसा आ रहे थे, उनकी निगाह पड़ी, उन्होंने रुका तारा चिल्लाए तो वो एक भैंस ले गए। भैंस की कीमत कम से कम 70,000 रुपए है। हमारा चाचा की भैंस है, बहुत गरीब आदमी है। पहले भी ऐसी घटना हो गई कि दो भैंस चोरी हुई, दोनों बच्चे भैंस के छोड़ के चले गए। ऐसी घटना पहले हुई इनके साथ, ऐसी घटना ये रात हुई, रात 2 बजे की बात है। 2 बजे से 2:30 बजे तक है, इन बच्चों ने जो हरिजन के बच्चे आए उन्होंने रुक के तारे तो वो भैंस ले गए। अच्छा, ये बताया जा रहा है सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, पुलिस आई थी? पुलिस आई है, रात ही दरोगा जी से बात हुई, पवार साहब से, उन्होंने कहा कि भाई भैंस तो चली गई और हम सुबह में इन कैमरों को देखेंगे। और गांव के प्रधान साराजा से भी बात हुई है, वे बाहर हैं इस टाइम, उन्होंने कहा है कि कैमरों से इसकी पूरी वो करी जाएगी।